हमारे लिए बड़ी अफसोस और गम की बात है कि मौलाना शुतारी साहब तो बड़े अजीम लीडर थे, सारे लोग बड़ा एहतराम करते थे। आज उनका विसाल हो गया है और उनके अफराद ख़ानदान को अल्लाह ताला सबर अता फरमाए, जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज हमारे मैं और हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब, सारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब मसीउल्लाह खान साहब, हम दोनों मिलकर आए हैं ताज़ियत के लिए। इंशाल्लाह शाम में तरावीह के बाद नमाज जनाजे नमाज मक्का मस्जिद में अदा किया जाएगा, वहाँ पर भी शिरकत करेंगे। ख़ुद हमारे सीएम साहब ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि आप जाकर उनके अफराद ख़ानदान को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ कीजिए। और हज़रत के बारे में सीएम साहब भी बड़ा एहतराम करते थे। और इत्तेफाक से परसों जो इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था उसमें हज़रत साहब नए आने की वजह से बात तो ख़ासतौर से सीएम साहब पूछे कि हमारे बुज़ुर्ग शुतारी साहब आज नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, सेहत तो ठीक है मगर बहुत कमज़ोरी की वजह से वो आज नहीं आए हैं। तो यकीनन हमारे अफसोस सीएम साहब भी बहुत अफसोस का इज़हार किए और उन्होंने बल्कि सारे तेलंगाना की आवाम में बड़े अफसोस और बहुत मतलब गम मना रहे हैं लोग कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग शख्सियत से हम लोग महरूम हो चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए।